गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी, आज का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। इन दिनों में मौसम बहुत ही ज़बरदस्त होता जा रहा है, गर्मी बहुत हो रही है। और जी, गर्मी के साथ साथ हमें वार्मिंग भी मिलती जा रही है कि हम घर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा रहें जितना रहा जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में। तो जी, हमारे को काम करने वाले होते हैं तो हम लोग को बैठना नहीं होता है, तो हम निकले हुए हैं। सबसे पहले तो ये पेट्रोल स्टेशन से आए हैं पेट्रोल डालने के लिए। आज मैं गाड़ी नहीं चला रही, तो जी उसके बाद हम जा रहे हैं B&Q AC देखने के लिए। मैं भी वहाँ से मिला, ठीक है, नहीं तो कहीं और से देखते हैं AC, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों मैंने कूलर फैन लिया था मैंने, तो अब मैं AC देख रही हूँ। एक पंखा भी लिया है फिर से, दो पंखे लग रहे हैं कमरे में। अब कूलर एक कमरे में, दो पंखे, अब AC देखने जा रही हूँ अपने बेटे के लिए, कि उसके लिए मैं AC ले लूँ। तो उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग है वो करनी है। ये नया ड्रेस लिया था मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जी, हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग और करने, फिर खाना लेने के लिए इस तरह से कुछ काम होंगे। तो जी, यहाँ हम पहुँचे हैं B&Q में, देखने लगे हैं AC अगर मिलता है हमें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। पहले कभी भी नहीं इतना सोचा था। यहाँ पे टीम हार्टन पे आए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से कोई मिल्क शेक या कोई कूल ड्रिंक जो है वो ले लिए जाएँ, तो फिर थोड़ी सी वॉक करेंगे। तो जी, हम B&Q गए थे, वहाँ से तो हमें नहीं मिला, तो हमने किसी और शॉप से सोचा कि देखते हैं। तो यहाँ से हम बरी आए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के बरी में, तो वहाँ से होके तो फिर हम ढूँढेंगे AC कहाँ पे जाते हैं। स्मॉल सा AC चाहिए हमें, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, तो इसीलिए ज़रा हमें ढूंढने में टाइम लग रहा है। जी, हम बरी से, तो जी यहाँ पे हम बरी से निकले हैं वापस, कुछ चीज़ें ले ली हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ड्रिंक किया है हमने। यहाँ पे मैंने भिंडियाँ ले ली हैं, ठीक है। भिंडियों को धो के, उनको वॉश करके अच्छी तरह से मैंने काट के, तो इस तरह से पैन के अंदर ऐड कर दिया है। तो इसके बाद अब मैं ये लेमन ले रही हूँ, ठीक है, लेमन जूस, ये थोड़ा सा मैं डालने जा रही हूँ इस पर। तो ये लेमन जूस है डाल के, तो इसको गैस को ऑन कर दी मैंने। थोड़ा सा ना यहाँ पे ऑयल जो है ना वो इसमें ऐड किया है, और इनको ब्राउन कर रही हूँ। कोई भी ऑयल जो भी आप अपनी सब्जियों के लिए इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, वो मैंने ये वाला ऑयल जो है इसके अंदर ऐड किया है। और अब मैं इधर अनियन जो है वो काट रही हूँ। अनियन काटने के बाद फिर मैं इनको इसके अंदर ऑयल डाल के तो इसको ब्राउन करूँगी। अब यहाँ पर मैं ऑयल ऐड करने जा रही हूँ। अब इसको देखते हैं कि ये कितना ऑयल है। तब इनको हम ब्राउन करेंगे। तो जी, यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है और इसके अंदर मैं ये नमक ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड किए हैं, ठीक है, वो चिली पाउडर वगैरह सारा। तो टमाटर मैंने काटे हैं और ग्रीन चिली जो है ये मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, तो फिर इसको मैं जब ये ब्राउन हो जाएगा और अनियन, तो फिर इसका मसाला बनाऊंगी मैं। तो जी, अब ये जो ब्राउन हो चुका है अनियन, ठीक है, अनियन ब्राउन हो गए हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है मैं इसमें मिक्स करने के बाद ऐड करने लगी हूँ।
और इन सबको मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से कुक करना है। यहाँ पे ये मसाला हमारा तैयार हो रहा है, बस थोड़ी देर और लगेगी, ये पक जाएगा जैसे ही। और ये धनिया हमारी ब्राउन हो रही है, बस थोड़ी देर इसको भी और हल्की सी ब्राउन हो गई है, जिसको बंद कर देंगे इसके गैस को थोड़ी देर के बाद, फिर इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे जब ये मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे भिंडी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है, गल चुकी है, तो अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अभी जी यहाँ पर हम पहुँचे हैं सीजन पहले, तो बस खाना भी देख रहे हैं, टेबल का वेट कर रहे हैं, जब टेबल मिल गया तो खाना ऑर्डर करेंगे। अगर आप मज़ेदार खाना खाना चाहते हैं तो बोल्टन में आइएगा सीजनिंग पहले पे। अगर आपने सीजनिंग पहले नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। सो मच गाइस, आपने मेरा वीडियो देखा और इसको लाइक किया, शेयर किया, थैंक यू। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।